हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड में ह्यूमंस में। तो देखते हैं, हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन होती है वो आरबीसी में प्रेजेंट होती है, ये आयरन लिए हुई होती है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन इरिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है और फिर ये ट्रांसपोर्ट करके ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है और हीमोग्लोबिन ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है। तो इस प्रकार ये रिवर्सिबल मैनर में काम करती है। इट्स हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन का होता है वो मॉलिक्यूल एक बार में चार मॉलिक्यूल को ही बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन का। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की है उस पर डिपेंड करती है ऑक्सीजन की बाइंडिंग। पार्शियली प्रेशर ऑफ CO2 हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद द बाइंडिंग। तो ये इसमें इफेक्ट क्या करते हैं, इसकी बाइंडिंग को CO2 का प्रेशर, आयरन हाइड्रोजन आयन एंड टेम्परेचर भी फैक्टर है जो इनकी बाइंडिंग को इफेक्ट करता है। ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियली प्रेशर ऑफ O2। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2 हाइड्रोजन प्लस कंसेंट्रेशन एक्सेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन इन द एलोवेली वेयर देयर इज हाई PO2 पार्शियली प्रेशर लो CO2 लेसर एस प्लस कंसेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो क्या होता है, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई हो और CO2 का पार्शियल प्रेशर लो हो और हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन कम और लो टेम्परेचर हो तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग हाई होती है। और जब इससे अलग है, जब से जैसे मतलब पार्शियल प्रेशर लो एंड CO2 का प्रेशर भी हाई और हाई एच प्लस कंसेंट्रेशन और हाई टेम्परेचर, तो इस बेस पे इसकी बाइंडिंग कम होगी। आल फेवरेबल द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन वेयर इज इन टिश्यू वेयर लो ऑक्सीजन CO हाई कंसेंट्रेशन हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट इन कंडीशन आल फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएट इन द एट द टिश्यू। तो लंग्स में ये एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजिकल कंडीशंस। तो ये कर्व देख सकते हैं अपन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। तो सिग्मोइड कलर कर्व है ये शो होता है। अपन ऐसे देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एच प्लस कंसेंट्रेशन टेम्परेचर लो होगी तो इसकी बाइंडिंग हाई होगी। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग को प्रमोट करता है, ये इसके साथ बाइंडिंग होगी। और जैसे पार्शियल प्रेशर लो हो गया एंड CO2 एच प्लस कंसेंट्रेशन टेम्परेचर हाई हो गया तो इसकी डिसोसिएशन मतलब हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, ये टिश्यू में रिलीज कर देगा। तो इस प्रकार ये प्रोसेस कंप्लीट होती है इसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग और डिसोसिएशन की। तो ये मेन फैक्टर्स हैं CO2 एच प्लस कंसेंट्रेशन टेम्परेचर, तो ये भी इसकी बाइंडिंग को कैसे इफेक्ट करते हैं ये इस वीडियो में देख लिया। तो इस प्रकार थैंक यू। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माई। थैंक यू।